आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाली, घंटों का काम मिनटों में होगा, वो बनाएंगे हम रबड़ी। तो चलिए आज हम बनाते हैं रबड़ी। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे रबड़ी। तो मैंने, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने 1 लीटर से ज़्यादा दूध लिया है। एक इसमें ये बाउल भरा है और एक से ज़्यादा दूध है और ये लिया है। तो हम बनाएंगे रबड़ी। उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। और लीजिए, इसमें हमें 2 चम्मच, 1-2 चम्मच से पानी डालना है। इसलिए हम पानी डालते हैं क्योंकि हमारा दूध तले में चिपके ना, बैठे ना। तो हमने ये दूध डाल दिया है, विप क्रीम दूध है हमारा। लीजिए हम बनाएंगे रबड़ी। तो हम आज रबड़ी बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। तो रबड़ी पसंद है मेरी बेटी को, तो इसलिए मैं आज रबड़ी बनाऊंगी। देखिए, घंटों का काम मिनटों में। पहले हम दूध का एक उबाल लेते हैं। दूध में जब उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस फिर से दिखाती हूँ। देखिए, हमारे दूध में उबाल आ गया है। और जब भी आप रबड़ी बनाएं तो कढ़ाई बड़ी लें और मोटे तले की लें, ताकि नीचे दूध बैठे भी ना, चिपके ना, जले ना। और जब आप बड़े लेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप फुल फ्लेम पर इसे जल्दी पका सकते हो। छोटी लेंगे तो बार बार ऊपर तक आएगा, निकल जाएगा, आपकी गैस भी गंदी हो जाएगी। तो इसलिए हमें बड़ी ही कढ़ाई लेनी चाहिए। और हम बीच बीच में अपना काम भी करते रहेंगे। तो देखिए, हमारा दूध ये उबल चुका है। तो हमने ये चीनी ली है। चीनी जो हम दाल चावल खाते हैं अपन, उसी चम्मच से, 4 से 5 चम्मच मैंने ये चीनी ली है। आप यदि ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 1 से 2 चम्मच, मैंने 4 से 5 ली हैं, आप 5 से 6 भी कर सकते हो। कम खाते हो तो आप, कम मीठा पसंद करते हो तो आप 3 से 4 कर सकते हैं। वैसे मेरा ये 4 से 5 चम्मच का रेशो एकदम परफेक्ट है जो मैंने बनाया। रबड़ी क्या है, दूध गाढ़ा हो जाता है तो वैसे ही उसमें दूध में मिठास होती है। और ये मेरा बफेलो मिल्क है, फुल फैट। आपके यहाँ जो भी हो, काऊ का हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, या उबला हो, या जैसा भी हो। आप रबड़ी बनाना है तो आप कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो हमारी ये चीनी देखिए घुल गई है, हम इसको फिर से उबालने देते हैं हाई फ्लेम पे, तो ये जल्दी जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा घंटों का काम हम मिनटों में करेंगे। तो लीजिए, मैंने मिल्क पाउडर लिया है। हम मिल्क पाउडर लेंगे 2-3 चम्मच, और हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने इसको भी ले लिया है। और आपके पास यदि ये ना हो तो आप वो ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर या अरारूट, जो आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। देखिए, और हमारा दूध भी इधर उबल रहा है, बराबर गैस हाई फ्लेम पर है क्योंकि मैंने बड़ी कढ़ाई ली है। तो अब इसे हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसमें इसको हम पतला करेंगे। और ये दूध हमारा रूम टेम्परेचर है, ना ठंडा है ये और ना गर्म है। तो लीजिए, हम इसको ऐसे ही घोल लेंगे। देखिए, आपको इसमें थोड़ी सी लम्स दिख रहे हैं ना अभी, इसीलिए मैंने कम दूध डाला ताकि लम्स ना पड़े। ये तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे धीमा और इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए बराबर चलाएंगे, नहीं तो एक जगह ही जम जाएगा। और बस आपके देखते ही देखते 2 मिनट में ये पूरा तैयार हो जाएगा। और जो थोड़ा और बचा है, इस कटोरी में लगा था तो इस क्यों वेस्ट जाए, तो इसे मैंने दूध डालकर इसको भी कर लिया है। लीजिए,
अब हम इसको अभी रुकेंगे नहीं, बराबर इसे चलाएंगे, नहीं तो एक जगह बैठ जाएगा। गैस की फ्लेम को हम हाई कर देते हैं, बस घंटों को काम मिनटों में तैयार होता है। आप मैंने इस समय कस्टर्ड डाला है, आप चाहें तो इसमें इलायची केसर जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं तो बना नहीं सकते, नहीं बना सकते हैं, आप प्लेन भी बना सकते हैं, आप केसर भी डाल के बना सकते हैं, या आप इलायची पाउडर भी डाल दो उससे ही बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा बढ़िया और टेस्टी भी बनेगा। देखिए ये हमारा हो गया है, अब हम इसे आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे चिपकना चाहिए स्पून में, देखिए हो गया गाढ़ा। इसको अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। और आप इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप इसमें इसी टाइम थोड़ा सा डाल लें। देखिए जैसे ड्राई फ्रूट्स मैंने ये लिए हैं, पिस्ता, बादाम और काजू, तो डाल दिए हैं। आपके पास जो भी हो, जो आप पसंद करते हो, आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, और नहीं कोई कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप कुछ ना डालें। ये ठंडा हो जाए इसके बाद फिर और गाढ़ा हो जाएगा, देखते हैं कितना टेस्टी, कितना टेस्टी। हमारे यहाँ तो ये बराबर ही बनता है, 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर, सभी को पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, लीजिए अब इसको ठंडा होने देते हैं। लीजिए हमारी रबड़ी ये तैयार हो गई है। लीजिए आप जलेबी के साथ, ये जलेबियाँ हैं इनके साथ आप जलेबी और रबड़ी, या आप ऐसे ही ले सकते हैं, आपको जैसे पसंद है। कचौड़ियों के साथ, किसी किसी को कचौड़ियों के साथ भी रबड़ी पसंद होती है, जैसे मेरे यहाँ खाई जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।